करते हैं स्टार्ट। डिग्री ऑफ फ्रीडम चैप्टर 12 इलेवेंथ क्लास काइनेटिक एंड गैसेस में वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला 3n-r। मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3। डायटॉमिक 5। ट्रायटॉमिक लीनियर 7। ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर 6। इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था। आज का टॉपिक इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स व्हाट? इट स्टेट्स दैट एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कितनी? इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल्स टू कितना जी? इक्वल्स टू हाफ के बी टी। इक्वल्स टू हाफ के बी टी। बट कंडीशन है एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू हाफ के बी टी, बट इट विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में ऐसा होगा, इन थर्मल इक्विलिब्रियम एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, एंड कितना होगा? हाफ के बी टी। हाफ के बी में के बी क्या है? बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज लेट अस कैलकुलेट सीपी सीवी एंड गामा। सीपी सीवी एंड गामा फर्स्ट फॉर मोनोएटॉमिक गैस। चलिए सीपी कितना होगा, सीवी कितना होगा, गामा कितना होगा? गामा इज इक्वल टू 1+2yf। हाँ, कैसे आया नहीं मालूम। देखें जरा, हम पहले किसकी बात कर रहे हैं? मोनो एटॉमिक गैस में देखें जरा, एनर्जी ऑफ 1 degree of freedom, 1 degree of freedom की एनर्जी बताओ कितनी होगी? वो तो कोई भी गैस हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, हमेशा हाफ के बी टी आर प्रेजेंट, देन एनर्जी ऑफ 1 molecule, 1 molecule की एनर्जी हाफ के बी टी इंटू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 1 molecule। एक मोनोएटॉमिक में एक मॉलिक्यूल में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3। तो एक मॉलिक्यूल में हाफ के बी टी मल्टीप्लाइड बाय 3, इट इज 3/2 के बी टी। व्हाट इज एनर्जी ऑफ 1 mole? इसको ई और यू से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट बुक्स। एनर्जी ऑफ 1 molecule कितना है? 3/2 के बी टी। एनर्जी ऑफ 2 molecules मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। एनर्जी ऑफ 10 molecules मल्टीप्लाइड बाय 10। एनर्जी ऑफ 1 mole कितने मॉलिक्यूल होंगे 1 mole में? एवोगैड्रो नंबर Na। सो 3/2 के बी टी मल्टीप्लाइड बाय
na, it becomes 3/2 rt, because kb multiplied by na is r. kb into na होता है r. na क्या है? Degree of हाँ, na is Avogadro number. तो energy of one mole कितना आ गया? 3/2 rt. Now let us calculate. जल्दी से बता दो CP या जल्दी से बता दो CV का formula. CV होता है कितना जी? du by dt. du by dt हमें याद हो तो हमने मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी. एंड वी आर टॉकिंग फॉर वन मोल. फॉर वन मोल एन हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या लिख देंगे? वन. क्या बचा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. डेल्टा क्यू यानी एनर्जी, हीट एनर्जी नीडेड. कितनी एनर्जी होगी? 3/2 rt. यानी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू से. क्यू को हमने यू से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि टेम्परेचर तो वॉल्यूम कांस्टेंट है. सीवी की बात हो रही भाई. तो सीवी बनेगा डी बाय डीटी ऑफ एनर्जी ऑफ वन मोल 3/2 rt. इज इट करेक्ट? बताओ डिफरेंशिएशन कितना आएगा? आता डिफरेंशिएशन 3 r/2 मल्टीप्लाइड बाय टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1. इट बिकम्स 3 r/2. क्या हमने मेयर्स फॉर्मूला पढ़ा है? क्या होता है मेयर्स फॉर्मूला? cp = r. बहुत बढ़िया. अकॉर्डिंग टू मेयर्स फॉर्मूला cp = cv - r. सो रहे हो? cv + r आएगा जी. एक्टिव हो जाओ. cv की वैल्यू 3 r/2 + r कितना बन गया? 5 r/2. एंड देयर रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा इज cp / cv. 5 r/2 डिवाइडेड बाय 3 r/2. आंसर विल बिकम 5/3. 5/3 आ जाएगा जी. इसके लिए मोनोएटॉमिक गैस के लिए विच कैन बी रिटन एज 1.666 चलेगा. दिस इज एनर्जी ऑफ वन मोलिक्यूल. वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, वन मोलिक्यूल, वन मोल. उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सी वी आएगा. cp + cv + r, cp आ गया. डिवाइड किया cp / cv तो गामा आ गया. सिमिलरली कैन यू कैलकुलेट फॉर डायटोमिक? आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? देखें जरा, डायटोमिक में 1 degree ऑफ फ्रीडम में 1/2 kVt, 1 molecule में मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 5/2 kVt फॉर 1 mole. 5/2 kVt मल्टीप्लाइड बाय na यानी 5/2 rt. तो 7/5. ये क्या बनेगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 5 r/2. ये आएगा 5 r/2 + r, 7 r/2. डिवाइड करेंगे 7 r/2 / 5 r/2. आंसर विल बी 7/5. कैन यू? आर यू श्योर? डू फास्ट. देखिए जरा कौन कौन करता है. सबसे पहले रेस्टोरेंट बताई दिया है. फॉर डायटोमिक गैस, जल्दी से बताएं, फॉर डायटोमिक गैस जब किसी सिमिलरली करके डिराइव कर दें, सीवी 5 r/2, सीपी 7 r/2 एंड गामा 7/5, विच इज 1.4 आ जाएगा. जल्दी से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करें, फिर बात करेंगे
ट्राइएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक लीनियर एंड ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर। देखें जरा प्लीज, इसी में इफ वी टॉक अबाउट मोनो डाया ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक ध्यान दे प्लीज, ट्राइएटॉमिक लीनियर, ट्राइएटॉमिक गैस की बात करेंगे, दो केस बना दें इसमें, ट्राइएटॉमिक लीनियर गैस में व्हाट इज एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ के बी टी, एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय लीनियर है मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड एनर्जी ऑफ 1 मोल इनटू एन मल्टीप्लाइड बाय एन ए, तो क्या बन जाएगा ये 7/2 RT। आर कहां से आया, केबी मल्टीप्लाइड बाय एन ए होता है आर, केबी इनटू एन ए इज आर। सो सीवी क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन यानी 7R/2। सीपी क्या होगा, 7R/2+R मीन्स 9R/2। गामा क्या होगा, गामा यानी सीपी बाय सीवी इज 9/7। इफ वी टॉक अबाउट ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, ये तो लीनियर है, नॉन लीनियर में क्या होगा जी, क्या चेंज आएगा, 7 ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर गैस में ध्यान से देखें तो 4/3 आ रहा है, एनर्जी ऑफ 1 मोल हाफ के बी टी मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय एन ए, एम आई राइट, कैसे आ गया, एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 1 मोलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 मोल। वही स्टेप हमने फॉलो करे हैं, ये बनेगा 3 RT। व्हाट इज सीवी, इसका डिफरेंशिएशन इसे U और E लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 3R, तो CP क्या होगा, CV प्लस R यानी 4, एंड व्हाट अबाउट गामा, CP बाय CV यानी 4/3 विच इज 1.333 चलता जाएगा, इज इट, याद रखना हमें, और ये कितना बनेगा 1. कितने में जाएगा, 1.2 आएगा, उसके बाद 8 है, 1.28। दिस इज, इसी तरह से आर यू लिसनिंग, देखिए जरा, फॉर पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक मींस जिसका एक मॉलिक्यूल बहुत सारे एटम से मिलके बनना है, लाइक C6H12O6 ग्लूकोज होता है ये, तो इसमें तो बहुत सारे एटम्स आ गए है ना, और भी बहुत सारे हैं, NH3 है, 4 एटम्स हैं, ठीक है, तो हाँ जी, हाँ CCl4, तो ऐसे बहुत सारे हैं CFC जिनमें 1, 2, 3 से ज्यादा एटम्स हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हमने पढ़ा मोनो डाया ट्राया, उसके बाद टेट्रा पेंटा हेक्सा जो भी होंगी सबके लिए पोली एटोमिक नाम यूज करेंगे, कैसे होगा देखें जरा, व्हाट इज, ध्यान देंगे प्लीज, एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम
वन डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ के बी टी इंटू एनर्जी वन मोलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम इन वन मोलिक्यूल एनर्जी ऑफ वन मोल मल्टीप्लाइड बाय एन ए आ जाएगा विच इज व्हाट एफ आर टी बाय टू एफ आर टी बाय टू एम आई राइट यस एफ बाय टू के बी इंटू एन ए हो जाएगा आर टी एज इट इज व्हाट अबाउट सी वी इसका डिफरेंशिएशन एफ आर बाय टू डी यू बाई डी टी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एफ आर बाई टू व्हाट अबाउट सी पी एफ आर बाय टू यानी सी वी प्लस आर व्हाट इज गामा सी पी बाय सी वी तो क्या लिख दें जी सी पी की वैल्यू इज दिस F by 2 plus 1 R common रख लें इसमें से R common ले लिया हमने डिवाइड में CV की वैल्यू FR by 2 R से R तो कैंसल हो जाएगा ये करें सॉल्व तो क्या बनेगा F by F by 2 plus 1 whole divided by F by 2 यानी मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय F एम आई राइट तो गामा बन जाएगा 1 प्लस F by 2 या 2 बाय F पक्का यस सर 2 बाय F से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाय F आ जाएगा सो फॉर पॉली एटॉमिक गैस इट इज 1 प्लस 2 by F एक जनरल फॉर्मूला हमने निकाल लिया यहाँ पे अब जिसके जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट करके सॉल्व कर दें वी गॉट द आंसर होप यू गॉट पक्का एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है CP CV एंड गामा से रिलेटेड देखें जरा कौन बताएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट मोर देन वन मे बी करेक्ट सुनेंगे जरा करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट देखें जरा फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्ट ऑप्शन ए उन्हीं में से बताना है सी पी प्लस सीवी सीपी प्लस माइनस सीपी प्लस सीवी इज ग्रेटर फॉर डायटोमिक गैस ग्रेटर फॉर डायटोमिक गैस देन मोनोएटोमिक गैस कैन यू इमेजिन द क्वेश्चन किस यानी CP प्लस CV की जो वैल्यू आएगी वो डायटोमिक की ज्यादा होगी मोनोएटोमिक की कम होगी सेकेंड ऑप्शन CP by CV इज ग्रेटर फॉर डायटोमिक गैस देन मोनोएटोमिक गैस थर्ड ऑप्शन इज CP माइनस सी वी इज ग्रेटर फॉर डायटोमिक गैस देन मोनोएटोमिक गैस एंड द लास्ट ऑप्शन इज सी पी मल्टीप्लाइड बाय सी वी इज ग्रेटर फॉर डायटोमिक देन मोनोएटोमिक गैस हाँ जी सर इज ट्रू हमें बताना विच वन इज करेक्ट तो लेट अस चेक क्या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन क्या है सीपी प्लस सीवी फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं देखें जरा समझेंगे सीपी प्लस सीवी किसका निकालें
डायटोमिक के लिए। डायटोमिक के लिए क्या आएगा सामने ध्यान प्लीज, डायटोमिक में सीपी कितना था जी, 7R/2 प्लस सीवी 5R/2, तो कितना बनेगा 6R। किसके लिए? डायटोमिक के लिए। एंड मोनोएटोमिक के लिए 5R/2 प्लस 3R/2 कितना 4R। किसके लिए? मोनोएटोमिक के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट अबाउट सेकंड ऑप्शन? फॉल्स। सेकंड ऑप्शन इज फॉल्स। सीपी बाय सीवी तो हमने पढ़ा है अभी, सीपी बाय सीवी यानी गामा। मोनोएटोमिक के लिए क्या है 1.6, डायटोमिक के लिए 1.4, यानी डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू स्मॉल है, डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू कम है, जबकि इसमें तो ग्रेटर लिखा हुआ है। सो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। व्हाट अबाउट थर्ड ऑप्शन? सीपी माइनस सीवी तो हमेशा आर होता है, सीपी माइनस सीवी इज ऑलवेज आर फॉर एवरी गैस, सो दैट्स व्हाई इन्होंने कह दिया ग्रेटर, दैट्स व्हाई ये भी रॉन्ग, इनकरेक्ट। डी ऑप्शन सीपी मल्टीप्लाइड बाय सीवी, देख लेते हैं, यानी इन दोनों को डायटोमिक में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सही है। 7R/2 मल्टीप्लाइड बाय 5R/2 कितना बनेगा 35/4R² किसके लिए? डायटोमिक के लिए। एंड सीपी मल्टीप्लाइड बाय सीवी इज मोनोटोमिक के लिए क्या होगा 5R/2 मल्टीप्लाइड बाय 3R/2, तो ये बनेगा 15R² / 4, विच वन इज ग्रेटर? ये मोनोएटोमिक के लिए है। 35/4 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 15/4, होप यू गॉट। यस सर। सो डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। स्टार्टिंग में मैंने कहा था मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। इज दिस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन? ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाएगा कहीं ना कहीं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, JEE का प्रीवियस ईयर है, बस थोड़ा सा जल्दबाजी ना करके ध्यान से लिख के चेक करें फिर रिप्लाई करें। दैट वी हैव डन अबाउट सीपी सीवी एंड गामा फॉर मोनो डाया ट्रायलिनियर ट्रायल नॉन लीनियर एंड पोलियटोमिक गैस एंड वन मोर लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, करें पैकअप आज इतना ही। हाँ सर, हमारे डाउट्स ले लो पिछले होमवर्क के, है ना, या HSM स्टार्ट करते हैं। HSM सर, SHM होता है, SHM होता है, बहुत बढ़िया, मेक इट कंप्लीट फास्ट।